पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भनातपुर विधानसभा सीट के लिए जेवीएम प्रत्याशी विजय केसरी ने सोमवार को अपना नामांकन प्रपत्र दाखिल किया। उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ कमलेश्वर नारायण के समक्ष अपना प्रपत्र दाखिल किया। विजय केसरी के साथ उनके पिता व पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी भी मौजूद थे। नामांकन के बाद विजय कुमार केसरी समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ लाल बागी मैदान में जनसभा का आयोजन किए। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री केसरी ने कहा कि भाजपा सरकार में किसी का भला नहीं होने वाला। अगर भला कोई कर सकता है तो वह सिर्फ झारखंड विकास मोर्चा। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार ने जनता के साथ छल किया है, जनता इस चुनाव में उसे सबक सिखा कर रहेगी। जनसभा के बाद श्री केसरी ने अपने पिता और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बंशीधर नगर में रोड शो किया। रोड शो गोसाईबाग मैदान से होते हुए बस स्टैंड पहुंचकर भवनातुर मोड़ स्थित राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए समाप्त की गई। जनसभा और रोड शो में जुटी भीड़ के माध्यम से विजय केसरी ने जता दिया कि वे भी टक्कर में हैं। इस उद्देश्य को लेकर तैयारी कर रहे हैं अपने नाम लड़ने के लिए? देखिए, काफ़ी भवनातपुर से आज हम पर्चा दाखिल किए हैं और इस विधानसभा में हम देख रहे हैं कि 15 साल से लोग त्राहिमाम है हमारी जनता यहाँ, और हम चाहते हैं कि यहाँ जो स्थिति नाजुक है यहाँ का है, जो वर्तमान में है, पूर्व है विधायक लोग जो लोगों को शोषण किए हैं, कभी गरीब का काम नहीं हुआ। और मेरा एक तो बोलना इसलिए है कि हम तो 25 साल से लगातार समाज के वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं उनके बारे में हम काम करते रहे और हम आए हैं उम्मीदवार बन के तो ऐसे लोगों के देख के आए हैं कि जो बिल्कुल एकदम कहीं ना कहीं परेशानी उनके चेहरे पर झलक रहा है। और मैं जो विधानसभा का प्रत्याशी बना हूँ, साथ संकल्प लेता हूँ कि यहाँ राशन का, पेंशन का, हमारे प्लान का, इस पर विशेष तौर पर मैं जब सत्ता में आएंगे तो काम करेंगे। और हमारे जो गरीब गुरबा हैं उनके लिए हम जितना बन सके काम करेंगे। और हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं प्रति, और हमारे युवा जो प्लान कर रहे हैं, बहुत ही दुखद 24 युवा हमारे 1.5 महीने में यहाँ जान गंवा चुके और प्लान कर रहे हैं युवाओं के लिए। मैं यहाँ पे 3000 जो बेरोजगारी भत्ता है उसके लिए काम करेंगे, मैं दिव्यांगों के लिए काम करेंगे, किसानों को जो ज़मीन के लिए परेशानी है, जो कहीं ना कहीं लोग उदास हैं, उनके लिए कैंप लगवा करके उनका जो भूमि का सुधार कराना उसको करेंगे। कई काम छुटा हुआ है हमारा, बिजली का समस्या है, कई तरह के यहाँ हम समझते हैं भवनातपुर विधानसभा में समस्या का अंबार लगा हुआ, उसको संशोधन करने के लिए हम आए हैं और जनता का काम करेंगे। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।